कार्ययोजना पूर्ववर्ती अटल जी की सरकार और उस कार्ययोजना को आगे मनमोहन सरकार सब में एक कार्ययोजना जो अटल जी ने बनाई थी जॉर्ज फर्नांडिस और उस समय जब ममता उनकी मंत्री थी, उसका जो मुख्य पक्ष है वह है कि 200 करोड़ रुपया राज्य को लगाना है। 200 करोड़ की सहमति इस कार्ययोजना में न मायावती जी ने दी, न मुलायम सिंह जी ने दिया, न अखिलेश यादव जी ने दिया। अभिनंदन के पात्र हैं कि वह सहमति 200 करोड़ रुपया देने की हमारी पहल पर योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। इस वजह से वो 8 का शिलान्यास हो पाया, कार्य रूप में परिणित हुआ। अभी 3 और ओवरब्रिज, 4 अंडर पास, उस पर भी मैं लगा हूँ कि राज्य सरकार की उस पर भी सहमति मिल जाए, तब यह और योजनाएं क्रियान्वित होंगी। यह काम पहले भी किया जा सकता था। मुझे इसके लिए प्रोत्साहन उत्साहवर्धन की जगह जो कर नहीं पाए, लोग हाथ मल के अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, महेंद्रनाथ पांडे जमीन का नेता है, अभी यहां जनता की अनंत काल तक मुझे सेवा करना है, कहां कहां हाथ मलेंगे लोग, अभी अनंत योजनाएं लाऊंगा। 5 साल 4.5 साल हो रहे हैं, अब ये एकाएक आकर के 9 पुल का चंदौली में शिलान्यास करना या उसका श्रेय लेना, ये जनता को गुमराह करने की पहले से ही प्रस्तावित है फ्रेट कॉरिडोर योजना के अंतर्गत। ये पांडे जी श्वेत पत्र जारी करें, ये बतावें कि योजना कब चालू की गई। 2013 से लेकर 2015-16 तक ये सारे ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुके थे। 8 ही क्या, 11 फ्लाई ओवर जो रेलवे के हैं वे स्वीकृत हुए हैं 2016 तक, और उसमें 400 नहीं 500 करोड़ के रेलवे फ्लाई ओवर स्वीकृत हुए हैं। ये तो सिर्फ 8 ही किए हैं, वो भी पुराना। माननीय सांसद जी क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव आएगा तो हम शिलान्यास करेंगे? अरे पहले कर दिए होते अगर 2016 तक, तो ये फ्लाई ओवर आज तैयार हो गया होता और चंदौली की विकास यात्रा आज कहीं दूर निकल गई होती।